अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा आज से आरंभ हो गया। कोरोना काल में मनाए जा रहे इस 7 दिवसीय उत्सव में इस बार मेले की सिरेलम पेल नहीं थी। रघुनाथ मंदिर के प्रांगण तथा मुख्य फाटक के बाहर भी भीड़ नहीं थी। ढालपुर मैदान भी पुलिस की निगरानी में सूना पड़ा था। यद्यपि 2020 में मनाया जा रहा यह उत्सव हर वर्ष की तरह मेले का व्यापक रूप तो नहीं ले पाया, किंतु दशहरा उत्सव में प्रथा का निर्वाह परंपरागत ढंग से विधिवत किया गया। पिछले कल ही कुल्लू पहुंच चुके मेहमान देवता आज प्रातः काल से ही एक एक करके अपने अपने सुसज्जित रथों पर सवार होकर रघुनाथ के दर्शनों के लिए आना शुरू हो गए थे। इस बार कोरोना से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सैकड़ों देवताओं की अपेक्षा केवल 7 देवी देवता ही दशहरा उत्सव में शामिल हो रहे हैं। इन देवी देवताओं में राज परिवार की दादी माँ हडिम्बा, खराड़ घाटी के बिजली महादेव, नगर की देवी त्रिपुरा सुंदरी, खोखन के देवता आदि ब्रह्मा, तीज में निवास करने वाले देवता जमदग्नी, सैंज घाटी के रैला गांव के लक्ष्मी नारायण, हलाण के धूमल नाग तथा ढालपुर के गौरी देवता वीरनाथ ने शिरकत की। प्रातः रघुनाथ मंदिर में संपन्न हुई पूजा में रघुनाथ के छड़ीवदार राजा महेश्वर शामिल हुए। विधि विधान के साथ पूजा संपन्न हुई। रघुनाथ का श्रृंगार किया गया। इसमें रघुनाथ का रूप देखते ही बन रहा था, लग रहा था जैसे मंद मंद मुस्कुराते हुए कह रहे हों, यह सब मेरी ही रचाई लीला है। दोपहर के समय मंदिर के मुख्य फाटक पर घोर पूजन किया गया। तत्पश्चात शुरू ही रघुनाथ यात्रा अर्थात ढालपुर मैदान की ओर रघुनाथ गमन। हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा के बैंड की सुरमई धुनों तथा देवताओं के वाद्य यंत्रों की देव धुनों की मधुर लय एवं स्वर लहरियों के साथ रघुनाथ चल पड़े ठारा करडू की सौ अर्थात देव मिलन स्थल ढालपुर की ओर। आइए कुछ समय के लिए बिना कुछ कहे शामिल होते हैं रघुनाथ यात्रा में। कुछ पलों के लिए खामोश चलते हुए इस उत्सव के रंगों का आनंद लेते हैं। ढालपुर पहुंचने तक महसूस कर लेते हैं देव परंपरा का मनमोहक सम्मोहन। Thank you.
ढालपुर मैदान इस बार पुलिस की कड़ी निगरानी में था। केवल कोरोना नेगेटिव देवलुओं को ही निर्धारित संख्या में शामिल होने की इजाजत थी। रघुनाथ यात्रा में शामिल अन्य लोग प्रायः सरवरी पुल से ही वापस कर दिए गए थे। सरवरी पुल का यह छोर रघुनाथ यात्रा में शामिल लोगों के लिए अंतिम पड़ाव था। इससे आगे केवल अनुमति प्राप्त देव परंपरा से जुड़े कुछ कारकुनों एवं देवलुओं को जाने की इजाजत थी। शाम 5 बजे के लगभग रथ यात्रा थारा कड़ू की सौ ढालपुर पहुंची। इस बार बहुत ही कम लोग रथ खींचते दिखाई दिए। निस्संदेह इस बार भीड़ नहीं थी, दुकानें नहीं लगी थी, किंतु लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। ढालपुर मैदान में रथ आगमन के साथ ही उत्सव संपन्न हुआ। 48 वर्षों के बाद यह पहला अवसर था जब केवल 200 लोग ही रघुनाथ का रथ खींचकर सौभाग्य के भागीदार बने।